था जिला प्रशासन का कि 12 बजे के बाद आप किसी प्रकार की सब्जी की दुकानें नहीं लगाएंगे। लोग में काफी लापरवाही देखी जा रही है, लोग सतर्क नहीं बरत रहे हैं, बेवजह से सड़क पे घूम रहे हैं। मुझे कल भी और आज भी मुझे इस तरह की सूचना मिली थी कि लॉकडाउन के समय में भी झरिया के कुछ लोग हैं कि उसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं, और आप देख रहे होंगे आए दिन धनबाद में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। सरकार ने जो लॉकडाउन का निर्देश जारी किया उसका अनुपालन अभी लोगों को अपने मन से करनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि आज भी हम लोग बाज़ार में आए हैं तो लोग बाज़ारों में संख्या में अधिक आए हुए हैं। उसी मद्देनज़र हम लोग 2-3 थाना के DSP साहब और यहाँ के थाना प्रभारी के साथ हम लोग इस मुहिम को देखने के लिए कि लॉकडाउन का कितना अच्छा अनुपालन किया जा रहा है कि नहीं। आज साफ निर्देश जो देखने में पाया कि सब्जी दुकानें एक बेवजह भीड़ का कारण बनी है, तो हमने आज साफ कह दिया कि फर्स्ट हाफ में ही सब्जी की दुकानें खुलेंगी। जिनको भी आवश्यक चीज़ें सब्जी की लेनी है वो फर्स्ट हाफ में ले जाएंगे। बाकी जो भी राशन की दुकानें हैं जिसको सरकार ने अनुमति दी है, प्रायः देखा जा रहा है कि राशन दुकानें में लोग सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से सामान को नहीं बिक्री कर रहे। अगर कल किसी तरह का कोई भी राशन दुकानदार ऐसा पाया जाता है कि ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कर सामान को नहीं बिक्री कर रहा है, तो थाना प्रभारी और यहाँ का जो भी लोकल प्रशासन होगा उस पर सख्त कार्रवाई करेगा और उसकी दुकानें तब तक सील कर दी जाएगी जब तक कि लॉकडाउन ख़त्म नहीं हो जाता है। ये आवश्यक हो गया है हम सबके लिए। तो जिला प्रशासन से भी और मीडिया भाई तरफ से भी एक अपील है फिर से लोगों के लिए कि अभी भी कोरोना हमारे बीच में बहुत दूसरे ढंग से अभी आया हुआ है। प्रतिदिन अखबारों में आप देख रहे हैं कि इससे मौत की संख्या बढ़ रही है। तो खुद को सोचना और घरों में रहना। लॉकडाउन का मतलब होता है कि आप अपने घरों में रखिए, अनावश्यक रूप से सड़कों पे भी ना निकलिए। तो यही अपील है, आप लोग से भी अपील है कि आप लोग भी ये करें। गाइडलाइनें जो जारी है वो आप लोगों ने भी खबरों के माध्यम से देखा है कि कौन कौन सी दुकानें बंद है और क्या क्या बंद करनी है। लेकिन अभी जो आवश्यक है कि लॉकडाउन के समय में बाहर लोग नहीं निकले। मैं देख रहा हूँ आपके धरिया में कि अनावश्यक रूप से लोग बाहर सड़कों पर हैं। ये लोग अपने घरों पर रहे तभी हम लोग लॉकडाउन का सही ढंग से अनुपालन करा पाएंगे। सब्जी की दुकानें 12 बजे तक ही खुली रहेंगी, क्योंकि आज मैं जो देखा हूँ यहाँ का माहौल वो सब्जी दुकानों में, वो हर जगह मैं ये चीज़ों को जांच करने के बाद ये चाहिए निर्देश देने जा रहा हूँ। आपके झरिया में जो सब्जी दुकानें वो भीड़ की सबसे बड़ी वजह बनी है। तो फर्स्ट हाफ में लोग अपने सब्जी जो भी दिनचर्या के सब्जी अपना ले लें लोग, और इसी बीच में अपने थाना प्रभारी और प्रशासन भी राउंड अप करता रहेगा कि वहाँ पर अनावश्यक रूप से भीड़ ना हो। इसीलिए हम लोगों ने सब्जी दुकानें जो मेन भीड़ का वजह है उसको हम लोगों ने 12 बजे तक बोलने का किया। अंदर की दुकानें सर, मेन मार्केट जो अंदर में है, जो कपड़े की दुकान, जूते की दुकान, कपड़े की दुकानें नहीं, वो कपड़े की दुकानें नहीं है, वो हम लोग की जांच का विषय है। थाना प्रभारी अपना देखेंगे उन लोगों को जिन लोगों को लॉकडाउन में दुकानें।